हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, पोस्ट का इंडेक्स ना होना। मे बी गाइस, अगर आप एक ब्लॉगर होंगे तो इस प्रॉब्लम को आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा। अक्सर यार ये नई वेबसाइट पर ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है यार, अगर ये प्रॉब्लम अगर आपकी भी वेबसाइट पर आ रही है तो यार देखो, एक तो मतलब कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, प्लस दूसरी तरफ गाइस जो क्राइटेरिया होता है कि लाइक जैसे 20 पोस्ट लिखते हैं हमने, उसके बाद हम गूगल एडसेंस को अप्लाई कर देते हैं, देन फिर आप अप्लाई करोगे तो यार आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने में भी काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि यार देखो, गूगल को तो पता ही नहीं है ना कि आपने मतलब कि कितना पोस्ट डाला है या नहीं डाला है, लेकिन आपको पता है बस कि मैंने तो यार 20 आर्टिकल्स लिखा है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल से गाइस वो गूगल में इंडेक्स ही नहीं हुआ है, कहीं भी गूगल में दिखाई नहीं दे रहा है। तो गूगल को तो यही लगेगा कि भाई आपने तो कोई भी आर्टिकल नहीं डाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स आती है यार अगर आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम से यार आपको किस तरह से बचना है तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइस, अगर अभी चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो यार सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखो, जल्दी जब भी हम कोई पोस्ट अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं, जल्दी ये एक मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इनके साथ भी यार कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन्होंने यार मेरे से डिस्कस किया था, तो फिर मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो ही दे देते इस टॉपिक पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी सारे पोस्ट इन्होंने डाला और रेगुलर बेसिस पर यार ये पोस्ट डालते रहते, तो इनमें से यार काफ़ी जो आर्टिकल्स है वो इंडेक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसका क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि यार ये मतलब कि जो गूगल का सर्च कंसोल होता है वहाँ पे ये पर्टिकुलरली आर्टिकल लिखने के बाद अपना साइट मैप भी सबमिट करते, उसके बाद भी ये नहीं हो रहा, और इंस्पेक्ट भी करते फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे पर्टिकुलर कोई भी यूआरएल को जैसे अगर आपको चेक करना है कि ये इंडेक्स है या नहीं है गूगल पे, तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी अपने पोस्ट का क्या करना है, यूआरएल को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस को आपने कॉपी करना है सिंपली, फिर उसके बाद चले जाना है अपने सर्च इंजन पे और यहाँ पे आपने टाइप करना है साइट कॉलन, उसके बाद जो अभी आपने यूआरएल कॉपी किया उसे आपने यहाँ पे डाल देना कुछ इस तरीके से, देन सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो अगर आपका पोस्ट इस तरह से दिखाई देता है गूगल में, मतलब कि आपका जो पर्टिकुलर जो यूआरएल आपने कॉपी किया था अगर वो यहाँ पे शो हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पोस्ट है यार वो गूगल में इंडेक्स्ड है और ये ट्रैफिक लेने को बिल्कुल रेडी है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। लेकिन अगर आपने सर्च किया और आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आपका यूआरएल वेबसाइट नहीं शो होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पर्टिकुलर जो आर्टिकल है गाइस वो गूगल में इंडेक्स नहीं है, तो फिर आपको यार एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप आर्टिकल लिखते जाओगे और आपके जो आर्टिकल है गाइस वो इंडेक्स नहीं होगा गूगल में, तो यार बहुत ही प्रॉब्लम आएगी और प्लस आपकी मेहनत भी यार बेकार ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैंने तो 100-150 आर्टिकल लिखा है भाई, लेकिन फिर भी ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा, ट्रैफिक कैसे आएगा यार, कि जब आपका आर्टिकल इंडेक्स होगा तभी ना आपके वेबसाइट्स पर ट्रैफिक आएगा, और इंडेक्स नहीं होगा तो फिर कैसे ट्रैफिक आएगा। और इसे अच्छे से जानने के लिए एक स्टेप मैं आपको और बता देता हूँ, सिंपली आपको अपने सर्च कंसोल में आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कवरेज का, तो इस पर आपको जाना है और यहाँ पर गाइस आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, वैलिड एंड एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो वैलिड में वो यूआरएल्स होते हैं जो इंडेक्स्ड हैं मतलब कि पहले से, ठीक है। तो जो भी मतलब कि वेबसाइट्स आपका इंडेक्स होगा गाइस वो आपको इस सेक्शन में वैलिड सेक्शन में दिखाई देगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो देन नीचे आना और यहाँ पे देखो सबमिटेड एंड इंडेक्स यूआरएल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारे यूआरएल आपको दिखाई दे देगा जो मतलब कि ये गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स है, मतलब गूगल में इंडेक्स है या डायरेक्टली और ये ट्रैफिक लेने के लिए तैयार है, ठीक है। वहीं अब आपको जानना है कि मतलब कि कौन से ऐसे यूआरएल है जो हमारा मतलब कि गूगल में इंडेक्स नहीं है, तो उसके लिए सिंपली आपको एक्सक्लूडेड पे क्लिक करना है और फिर नीचे आ जाना और यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, इस पे जाना है और यहाँ पे वो सारे यूआरएल आपको मिलेंगे जो इंडेक्स नहीं है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे। और इन पर्टिकुलर आर्टिकल को यार आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे मैं इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया था साइट कॉलन डालते हुए उसके बाद आपने जो अभी यूआरएल कॉपी किया उसे आपने सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे फिर सर्च करो तो देखो अगर ये यूआरएल यहाँ पे शो हो रहा है तो मे बी ये इंडेक्स है, और ये देखो यहाँ पे शो हो रहा था कि ये भाई ये इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये इंडेक्स होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, अब बात आते हैं कि जो यूआरएल इंडेक्स नहीं है तो उसे किस तरह से इंडेक्स करना है मैनुअली, तो उसके लिए यार आपको सिंपल सा स्टेप को मतलब ये करना है। तो सबसे पहले तो यार आपको क्या करना है, जब भी आप कोई नया पोस्ट अपने वेबसाइट पे डालते हो ना, तो उसे तो यार सिंपली आपको साइट मैप तो मतलब कि अपने सर्च कंसोल में मतलब कि डेफिनेटली आपको सबमिट करना ही करना है। उसके लिए सिंपली आपको अपने वेबसाइट पर मतलब कि सर्च कंसोल में आना है और यहाँ पर साइट मैप पर आना है और यहाँ पर जो भी आपका पोस्ट का जो साइट मैप है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर सबमिट कर रखा है पोस्ट साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसे आपने वापस इस पर क्लिक करना है
और यहाँ से इसको कॉपी करना है, फिर से आपको साइड मैप पे आना है और यहाँ पे पेस्ट करते हुए सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो यार डेफिनेटली हर किसी को पता होगा और हर कोई करता है, और इसे करना भी यार मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे भी आपने करना है, ऐसा नहीं कि आपने इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, उसके बाद आपको अपने मतलब कि जो आपका वेबसाइट है ना वर्डप्रेस अगर आप यूज़ करते हो तो उसके आप बैकेंड में आ जाओ, उसके बाद थिंग में आना है, उसके बाद यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में जाना है। एंड देन राइटिंग सेक्शन में आते ही आपको फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अपडेट सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी सारे मतलब कि यहाँ पे जो ये पिंग यूआरएल्स है वो यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। आप अगर फर्स्ट टाइम इसे चेक करोगे तो आपको सिर्फ एक ही पिंग यूआरएल यहाँ पे दिखाई देगा, पिंगोमैटिक का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी मैंने यूआरएल यहाँ पे डाला है गाइस, इन सभी यूआरएल को आपने भी अपने अपडेट सर्विस सेक्शन में यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और इसकी जो लिस्ट है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा टेक्स्ट फाइल में, जहाँ से जस्ट आपको कॉपी करना है और अपने सेक्शन में आके यहाँ पे सेटिंग में आते हुए राइटिंग सेक्शन में आते हुए यहाँ पे अपडेट सर्विस में यहाँ पे पेस्ट करते हुए फिर यहाँ पे सेव चेंजेस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। बस आपको यार इतना सा काम करना है, उसके बाद बस गाइस आपको और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। और अगर आप एक एक्स्ट्रा एक स्टेप करना चाहते हो तो यहाँ पे एक मैं आपको सिंगल एक्स्ट्रा एक स्टेप बताता हूँ। उसके लिए गाइस आपको टोटल पिंग, एक पिंग वेबसाइट है यहाँ पे आ जाना है, और जो भी पर्टिकुलर जितने भी पोस्ट जैसे आप डालते हो ना, लाइक जैसे एक दिन में आप दो पोस्ट डालते हो तो यहाँ पे पर्टिकुलर पोस्ट का जो टाइटल है वो डालना है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का जो यूआरएल होता है गाइस वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे जो आरएसएस यूआरएल है गाइस ये ऑप्शनल है, इसे आप डाल भी सकते हो नहीं भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, चेक ऑल पे क्लिक करते हुए सभी चीज़ों को चेक करते हुए गाइस आपने मेक पिंग पे क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या है, देखो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो आपका पोस्ट है ना वो काफ़ी सारे सर्च इंजन को चले जाएगा, ठीक है। इससे मतलब कि काफ़ी सारे सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि आपका जो पोस्ट है भाई वो इंटरनेट पे मौजूद है, तो इससे जो आपका जो गूगल है ना गाइस वो भी आपके आर्टिकल को बड़ी जल्दी यार इंडेक्स कर देगा, ठीक है। और ये सबसे सही तरीका है गाइस, यहाँ पे मैनुअली तो आपने साइट में आपको सबमिट करना ही करना है, लेकिन इस चीज़ को गाइस आपने डेफिनेटली करना है। और अगर आप यहाँ पे टोटल पिंग बार बार यूज़ नहीं करना चाहते हो, सिंपली जो ये मैंने पहला स्टेप आपको बताया बस इसे करके यार आप छोड़ दो, उसके बाद जब भी आप नया पोस्ट डालोगे ना वो ऑटोमेटिकली जो आपका वर्डप्रेस है गाइस वो इन सभी वेबसाइट्स को आपके पोस्ट को भेज देगा, तो मतलब कि सभी वेबसाइट्स को एक हिंट चला जाएगा कि आपने भाई इस समय पोस्ट डाला नया, देन फिर गूगल इसे अच्छे से समझेगा और आपके आर्टिकल को फिर डेफिनेटली बहुत ही जल्दी वो इंडेक्स कर देगा। और यही कारण से गाइस यहाँ पे जो भी आपको कवरेज में मतलब कि एक्सक्लूडेड में यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्कवर करेंटली नोट इंडेक्स में जो भी यूआरएल अभी आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से कुछ कुछ जो यूआरएल है वो पोस्ट होना स्टार्ट मतलब कि जो इंडेक्स होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी सेम इसी स्टेप को अपनाया हुआ है, और बड़े से बड़े ब्लॉगर भी गाइस सेम टू सेम इसी स्टेप को अपनाते हैं, यहाँ तक कि जो हर्ष अग्रवाल हैं गाइस उन्होंने भी गाइस इसी मेथड को बताया, तो आप इसका यूज़ करें। तो इस सेटिंग को आप डेफिनेटली कर लें अपने वर्डप्रेस में, उसके बाद गाइस आपको इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप रेगुलर अपनी पोस्ट को एक स्पेसिफिक टाइम पे अपलोड करते जाएं, ठीक है। देन आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाकी जो इसके लिस्ट है गाइस पिंग लिस्ट वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।